हेलो नमस्कार, यहाँ पर हम कुछ बड़ी मूवियों को रिवील करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने टाइगर 3 मूवी देख लिया है सलमान खान की, लेकिन टाइगर 3 के बाद हमें कौन सी ऐसी बड़ी मूवी देखने को मिल जाएगी जिसके लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जैसे कि आप लोग के सामने कुछ दिन पहले एक मूवी को लाया गया था जो किक नाम से थी, यानी किक मूवी थी सलमान खान की, जो कि यानी बॉक्स ऑफिस में जो कमाई किया था, जो ऑडियंस के दिल में प्यार बनाया था, बहुत ही ज्यादा बनाया था। तो किक मूवी को लेकर के हम आपके सामने कुछ अलग रिव्यू डालने वाले हैं। यानी किक मूवी को यानी उम्मीद ऐसी है, यानी कि मेकर्स ने जो इसका पर्दाफाश किया किक मूवी को लेकर के, किक मूवी बता रहे हैं कि दोबारा से इसकी शूटिंग चालू हो रही है, यानी इसका पार्ट 2 भी बन रहा है जो कि सलमान खान इसका लेकर के आ रहे हैं। जैसे किक मूवी हमें लास्ट में दिया गया था जहाँ पर सलमान खान बस को लूट करके जाते हैं और पूरी तरह से नदी में डूब जाती है बस, और डूबने के बाद पूरी तरह से मूवी को एंड किया जाता है। वहां से भी हमें पता तो चल गया था कि शायद इसका पार्ट 2 बनेगा, इसलिए ऐसी यानी कि आश्चर्यजनक इसकी एंडिंग की गई। लेकिन ये कंफर्म था कि मूवी तो बनेगी, लेकिन कब बनेगी कब नहीं बनेगी। लेकिन अभी मेकर्स ने क्लियर किया है डिसाई के जरिए कि इस मूवी को रिलोड, इसकी राइटिंग पर काम चालू है। एनिमस की यूनिवर्सिटी में यानी कि कुछ अलग तरीके से मूवी को बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मूवी को अगर बात किया जाए तो एक बेहतरीन फंडे है। इस मूवी को सलमान खान जैसे कि बना ही रहे हैं, तो सलमान खान की देखो कोई भी मूवी होती है तो यानी कि जैसे 2015 से लेकर 2022 तक का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो सलमान खान भाई बॉलीवुड के बादशाह कहलाए। यानी बॉलीवुड में जो इन्होंने अपनी बैश छोड़ी है, छाप छोड़ी है, ये बहुत ही अच्छी छोड़ी है और बहुत ही अच्छी कमाइयाँ इनकी मूवियाँ भी करते हुए नजर आई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मात खाते हुए बीच में फिर नजर आए बात को कि सलमान खान यानी कि 2023 से थोड़ा डिम इनकी मूवियाँ पड़ी, यानी 2023 में जैसे टाइगर 3 मूवी है इतना अच्छा कमाई नहीं किया, वहाँ पर सलमान खान को थोड़ा गलत भी लगा होगा, अलग भी लगा होगा। लेकिन सलमान खान किक मूवी को लाने की पूरी तरह से कोशिश कर लिया, यानी किक मूवी को रिटर्न लाने की संभावना है। यानी अगर किक मूवी दोबारा आ रही तो ये चीज़ तो क्लियर डाटा होगा, 100% होगा, ये मूवी जो बॉलीवुड में एक छाप छोड़ेगी ना, कमाई करेगी ना, बहुत ही अच्छी कमाई करेगी। जैसे आप लोग जानते हैं 2023 में जो शाहरुख खान ने कमाई किया है उसके सामने अभी सारे हीरो का स्टेटस थोड़ा डिम रहा, और शाहरुख खान ने 2023 में मेहनत करके 2022 में आने का नाम ले रहे हैं। लेकिन हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे कौन सी मूवी को लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर अपना अलग फंडा होता है, जैसे कि शाहरुख खान नहीं आ रहे तो यहाँ सलमान खान अगर किक मूवी को लेकर के आ रहे हैं तो किक मूवी अच्छी कमाई करने की तो उम्मीद है ही, लेकिन किक मूवी से हम कुछ बड़ी उम्मीदें इसलिए रख सकते क्योंकि किक मूवी जो पार्ट 1 था उसने कमाई अच्छी किया था, इसलिए शायद ही अच्छी कमाई कर सकते। फिलहाल आप लोग किक मूवी के बारे में क्या ओपिनियंस रखते हैं हमें छोटे से कमेंट में एक अपनी बड़ी सी राय जरूर लिखिएगा। मिलते अगले वीडियो में।